गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, इरिटेट हम काफी होते रहते हैं। फर्क गुस्सा करने में और इरिटेट होने में, गुस्सा तो तौर पड़ गई है, कोई भी कुछ कर रहा होता है ना उसको कहते हैं जल्दी करो। कौन कौन कहता है जल्दी करो? एक लाइन आज और चेंज करते हैं। क्यों? जितनी बार हम ऐसी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं जिससे हमारा माइंड भी एजिटेटेड है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है जल्दी करो, खुद भी एजिटेट होते हैं दूसरे वाले को भी एजिटेट करते हैं। वो कहता है मैं कर रहा हूं ना, कहता है मुझे पता है आप कर रहे हो लेकिन जल्दी करो। ये बोलने से और बार बार दूसरे पर प्रेशर डालने से दूसरे की क्षमता बढ़ने वाली, दूसरे की क्षमता बढ़ने वाली क्या आंसर है? नहीं है। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे की क्षमता घट जाए क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है उसका माइंड। इवन अगर आप बोलो नहीं, बोलो नहीं, सिर्फ कोई काम कर रहा है, आप खड़े होकर वहां सिर्फ सोचते रहो क्या कर रहा है, जल्दी करे ना, खत्म नहीं हो रहा, जल्दी करे, तो भी हमारी टर्बुलेंट या डिस्टर्ब्ड एनर्जी दूसरे के माइंड को जाती है, उसके माइंड को डिस्टर्ब करती है, उसके कार्य करने की क्षमता घटती है, गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार जब हम ऐसे संगठन में बैठे होते हैं ना तो किसी का फोन बज जाता है, अब वो बहन या भाई बड़े प्यार से अपने फोन को निकालते हैं साइलेंट करने के लिए, लेकिन आसपास के लोग ऐसे घूरते हैं उनको और फिर एक ऐसी थॉट भेजते हैं, वो जो फोन निकालता है ना उसका हाथ कांपने लग जाता है ऐसे। दिस इज प्रैक्टिकल, इट हैपेंस। जो वो फोन को साइलेंट रात को नींद में भी कर सकता है, वो जागृत अवस्था में कर नहीं पाते, वो सामने वाले को देते मेरा फोन साइलेंट करते, जल्दी से बंद नहीं हो रहा, बिकॉज वी रेडिएट एजिटेटेड एनर्जी। इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हर एक को, और दूसरों पे तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है। तो मेरे माइंड को ऐसी स्थिति में रहने की आदत सी पड़ गई है, खाली बैठा नहीं जाता, शांत बैठा नहीं जाता। आजकल ट्रैफिक सिग्नल पे अगर 1 मिनट भी गाड़ी रोकते हैं ना तो उतने 1 मिनट में भी अपना फोन उठा के देखते हैं कोई मैसेज आया। खाली नहीं बैठ पाते ऐसे हम स्थिर, क्योंकि मन इतना चलता जाता है। दिस इज अ साइन कि हमारी शक्ति घट रही है। अब हमें इस शक्ति को क्या करना है? वापस लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हर परिस्थिति में, परिस्थिति को कंट्रोल करने के पहले पहले अपने मन की स्थिति पर अटेंशन लेकर आना है। दो चीजें हैं, एक परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति। दोनों में से कौन मेरे कंट्रोल में है? दोनों में से कौन मेरे कंट्रोल में है? मन। परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये अलग बात है कि हम समझते हैं कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है। परिस्थिति हमारा बच्चा हो सकता है, हमें लगता है हम अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा मन। हम उसका ध्यान न रख के परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अपने मन का ध्यान न रख के हमारी परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दो लोग जो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिना बात के ही रिश्तों में गांठे पड़ जाती हैं, क्योंकि हम दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। परमात्मा एक बहुत सुंदर इक्वेशन सिखाते हैं, दूसरे को कुछ कहने से पहले, दूसरे को शिक्षा देने से पहले, पहले अपने मन को स्थिर करो, अपनी वाइब्रेशन को साफ करो, उनके प्रति अपनी सोच को ठीक करो, फिर आप उनको एक लाइन में वो शिक्षा दो। लेकिन शिक्षा देने से पहले मन से उनको सम्मान दो। क्या किसी को सम्मान देकर हम शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान देकर शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान कहाँ देना है? यहां। लेकिन अगर हम उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं अंदर। शिक्षा भले हम मीठे शब्दों में दे रहे हैं, लेकिन अंदर अपमान करके फिर शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात, वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, और दूसरी बात
क्योंकि उनका अपमान हुआ होता है, वो भी कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारा अपमान भी हो जाता है।